अजय आलोक जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी की ओर से भी बिहार के संदर्भ में दावा किया जाता रहा कि हमने भी सपोर्ट किया है, ये वो दुनिया भर की बातें कही गई। अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि यही मेरे जीवन का मिशन बन गया है और मैं हर हाल में जातिगत जनगणना कराकर रहूंगा। यह मुद्दा भारी पड़ेगा बीजेपी को चुनाव में। अभी भी आप लोग राहुल गांधी को इतना सीरियसली क्यों लेती है? जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, अरे जब इतना जातिगत जनगणना करवाना था तो कर्नाटका में सारे के सारे मुसलमानों को एक ही बार में उठा के ओबीसी कोटा में डाल दिया, कहां गया जातिगत जनगणना? किसका हक मारा है उन्होंने? जरा इसका जवाब बाकी घमंडियों से लीजिए कि बाकी ओबीसी को हक मारा कि नहीं, अगर सारे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया कर्नाटका में, तो तब समझ में नहीं आता है। नए नए शगुफे रोज छोड़ते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, सेल्फ गोल करने की आदत है। सैम पित्रोदा कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स हम लोग लगाएंगे अमेरिका की तरह, बहुत बढ़िया, 50% संपत्ति सरकार, 55% संपत्ति सरकार की हो जाएगी, 45% आपकी बेटे की रहेगी। तो चित्रा जी, आप भी संपत्ति उम्पत्ति मत बनाएगी, कांग्रेस आ गई तो संपत्ति आपकी बनेगी या चली जाएगी सरकार के पास। एक साथ लगता है मुझे कि लेनिन और चंगेज खान दोनों की आत्मा एक ही साथ घुस गई है। मतलब क्या बात कर रहे हैं और क्या रेलिवेंस की बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता पता दूर दूर तक का नहीं है, कोई और है ना कोई छोर है, कुछ से कुछ कोई भी बोल रहा है। उसके बाद जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बन गया है। अरे जातिगत जनगणना आप किस जाति को करते हैं? मेरे पास एक्सरे है, अपना एक्सरे पहले करें ना भाई, किस जाति से खुद आते हो, क्या हो, हिंदू तो हो नहीं, किस जाति से आते हो, पहले अपना एक्सरे कर लो उसके बाद जाके देना। दूसरा, संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं, बताइए तो गांधी परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, सब जानते हैं, दिल्ली का फार्म हाउस इंदिरा गांधी उनका था, सब उसको बांट दें सबसे पहले, 22 करोड़ की घोषित संपत्ति है उसको भी बांट दें, 2200 लाख लोगों का भला हो जाएगा। अरे लालू यादव सबसे बड़े सामान जहां जिस धरती पे खड़ी है, छपरा की धरती पर, किसी से ही पूछिए रोड चलते लालू की कितनी संपत्ति होगी तो कोई भी आपको 3-4 हजार करोड़ की नहीं बताएगा। पहला मैनिफेस्टो निकाला जिसने भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की बात नहीं की, ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करेंगे, चाहे वो राजनीति में हो चाहे वो किसी भी दिशा में हो, अगर भ्रष्टाचार कर रहे होंगे तो उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, वो तो कभी नहीं किया क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचार पर संपत्ति कहां जब्त करेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, लेनिन और चंगेज खान की आत्मा एक साथ घुस गई है। परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की ओर से बनाया गया था, लेकिन बाद में धर्म के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लौटी, आपसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन आशुतोष जी उसके पहले आपके पास आते हुए, ये जातिगत जनगणना, जातिगत, मुझे तो यूपी का इलेक्शन याद आ जाता है जब राहुल गांधी जिस भी रैली में जाते थे उनकी ओर से एक ही बयान आता था सामने कि हिंदू और हिंदुत्व में हमें अंतर करना होगा, हिंदू ये है हिंदुत्व वो है। वही चीज ऐसा लग रहा है कि अब लोकसभा के चुनाव में जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना पर यहाँ की जो देश की जनता है वो वोट करने जाएगी? क्योंकि जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बनाया यहाँ पर, और 70 सालों में कितने साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, जातिगत जनगणना इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो होने के बावजूद डेटा क्यों नहीं रिलीज किया गया कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से, ये सवाल नहीं पूछेगी जनता पलटकर? देखिए चित्रा जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कन्विंस हो गई है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और उसकी सरकार बन रही है, इसलिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अभी आलोक जी ने भी कहा अगर कांग्रेस की सरकार आ रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही इन्फ्लुएंस निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। मुझे तो ये जो तर्क दिया जा रहा है, ये तर्क समझ में नहीं आता है। दूसरी बात क्या है, अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो बार बार कहता हूं कि सत्ता के पायदानों पर और तमाम संस्थानों पर जिन लोगों का हजारों साल से कब्जा है उन्हीं लोगों को डर लगता है और किसी को कोई डर नहीं लगता। आप किसी ओबीसी समाज के आदमी से पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता, दलित समाज से पूछ लीजिए उसको डर नहीं लगता, जो आदिवासी समाज उससे पूछ लीजिए उसको डर नहीं लगता, मुसलमानों को डर नहीं लगता, क्रिश्चियंस को डर नहीं लगता है। तो वो कौन तबका है जिसको इस बात का डर लगता है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर उसका जो वर्चस्व है, जो अनावश्यक वर्चस्व है, जिसके बारे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हमने 2000 साल तक पशुवत व्यवहार किया था, तो मैं तो चाहता हूं कि जातिगत जनगणना हो, ये लोग सामने आए जिन्होंने पशुवत व्यवहार किया था, और मोहन भागवत ये भी कहा था अगले 200 साल तक के लिए आप तैयारी कर लीजिए। मुझे जातिगत जनगणना से डर नहीं लगता है,
लेकिन उसका हवा जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ इसीलिए की जा रही है क्योंकि ओबीसी समाज दलित आदिवासी तबका अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था। और इसीलिए इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है और उन लोगों को डर लगता है जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अगर ये ओबीसी के पक्ष में खड़े हैं, अगर दलितों के पक्ष में खड़े हैं, आदिवासियों के पक्ष में खड़े हैं, तो सीना तान के कहना चाहिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बोलिए अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं सीना तान के बोलिए कि होनी चाहिए जातिगत जनगणना। सबसे पहली बात आशुतोष जी को बता दूं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स है ना जिनके दिमाग में मंडल है, दिल में कमंडल है, इसलिए उनको जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा कौन कर रहा है इस देश में, किसको नहीं पता है? एक ऐसा अबोध बालक जिसको 55 साल के चिर हुआ ये जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। अरे बिहार में तो हुआ था, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, अरे हम तो जनता को ये बता रहे हैं कि गलती से भी इनको 40-50 सीट भी आ जाए ना तो ये देश का ये हाल कर देंगे। जिस ढंग से देश के ढर्रे को बदलने की कोशिश की जा रही है, आप ये बताइए तो आशुतोष जी, बड़ा कन्वीनियंटली आप टाल गए, क्या सारे मुसलमानों को ओबीसी जाति में करना कर्नाटका में सही काम है? हाँ या ना, कोई जवाब दे। एक एक घमंडियों से पूछिएगा चित्रा जी, कर्नाटका सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास गया, कर्नाटका का सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में ले लिया। किसका हक मारा आप लोगों ने? इस देश के ओबीसी का हक मार रहे हैं आप, इस देश के SC/ST का हक मार रहे हैं आप, और उसके बाद आप बात करते हैं जातिगत जनगणना की, हवा हम खड़ा कर रहे हैं? आपको कोई चीज नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने के लिए। जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां मुस्लिम तुष्टिकरण खुलेआम आप करते जा रहे हैं, इसका कोई विरोध नहीं करेगा क्या? आपने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की, आपकी सरकार चलेगी, लेकिन आप सुधरे नहीं, ठीक है? आपके दिमाग में बैठा हुआ है ये, आप कहते हैं कि इसकी संपत्ति उठा के उसको दे देंगे। आपने मैनिफेस्टो में पहली बार संविधान को डिफाई किया कांग्रेस पार्टी ने, आशुतोष जी चुप है। एक लाइन में खत्म करूंगा। अपने संविधान में इन्होंने पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात की है, क्या ये भारतीय संविधान के उलट नहीं है? जहां हम UCC की बात करते हैं संविधान में, लेकिन उस पर आशुतोष जी चुप रहेंगे, बाकी घमंडिया उस पर चुप रहेंगे, क्यों? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? मैं फिर आलोक जी को चुनौती देता हूँ, आलोक जी को चुनौती देता हूँ और कहें कि वो ओबीसी दलितों और आदिवासियों के लिए जातिगत जनगणना के पक्ष में है। मैं उनको कहता हूँ कहें, नहीं कहेंगे क्योंकि इस देश हम कह चुके हैं, प्रेसिडेंट के पास जा चुका है। एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो बिना गोत्र देखे बिना जाति देखे कोई काम नहीं करता है, लेकिन जिस दिन आप ओबीसी के हक के बारे में बात करेंगे, जिस दिन दलितों के हक के बारे में बात करेंगे, उस दिन ये कहेंगे ये लोग जातिवाद फैलाते हैं। ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी, ये खत्म होनी चाहिए। जब भी कोई ओबीसी समाज का कोई नेता खड़ा होता है उसको भ्रष्टाचार, उसको न जाने क्या क्या कहकर उसका अपमान किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? लालू यादव आपको बड़े, ठीक है मैं आ जाती हूँ, अब तो बीजेपी की ओर से यही बताया जाता है सबसे बड़ा ओबीसी तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन मैं, ठीक है संजय कुमार जी आपके पास आते हुए, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संजय जी आपके पास आते हुए, ये जो जातिगत जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के लिए, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर जनता वोट करेगी? संजय जी थोड़ा मुश्किल लगता है कि मुझे जनता इस पर वोट करेगी। जनता इसके लिए सहमति तो जताती है, हमने कई सर्वेज में ये पूछा, बड़ी संख्या में लोग कहते हैं हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि बहुत उत्साहित होते हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन वो एक स्टैंड अलोन एक इशू है कि हाँ ऐसा होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर उनका वोट मोबिलाइज होगा कांग्रेस की तरफ, वो बहुत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज नहीं है या इस बात को कांग्रेस उन्हें बताने में असक्षम रही है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने की गुंजाइश है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, गुंजाइश भी क्या है, इस बात का जो संकेत जनता को नहीं मिलता, उन्हें लगता है हाँ जनगणना होनी चाहिए, इसमें क्या खराबी है, पता तो चले हमारी जाति के कितने लोग कहां हैं। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि ये सर्किल पूरा नहीं कर पा रही है कांग्रेस। जातिगत जनगणना होनी चाहिए आधा सर्किल है, अभी आधा सर्किल और पूरा करने की जरूरत है, ये बताना लोगों को और उनको कन्विंस करना कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे लोग जो दलित पिछड़े गरीब तबके के हैं, जो निचली तबके में है, सामाजिक दृष्टिकोण से निचले तबके में है, उनके जीवन में परिवर्तन आने की गुंजाइश है। अगर ये जनता इस बात से कन्विंस होगी तब उनकी तरफ वोट जाने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है।
ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन गरीबी पहचानने के लिए क्या इस देश को जातियों का सहारा लेना पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। अब कंचन यादव जी सीधे आपके पास आते हुए, ढोल बजाकर जातिगत जनगणना आप लोगों ने करा लिया, जेडीयू भी श्रेय लेती है, आरजेडी भी लेती है, उधर बीजेपी भी लेती है, दूसरी पार्टियां भी लेती हैं, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से जरा आप बताइए बिहार में क्या बदल गया। मेरे सामने कम से कम 200 लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनको देखकर मुझे ये तय नहीं करना है कि कौन इसमें गरीब है कौन अमीर है। आप उनकी स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या? इनमें से मैं पूछने जाऊंगी कि आप कौन सी जाति से हो, आपका मैं ज्यादा भला करूंगी और दूसरे का मैं कम करूंगी। जातिगत जनगणना से क्या बहुत बड़ा फायदा हो गया बिहार को, जरा ये बताइए आप, अब जिसको लेकर अब राहुल जी आगे बढ़े हैं कि देश में करवाएंगे। मुझे थोड़ा जवाब देने दीजिए चित्रा जी, पहले तो मैं आलोक जी का जवाब दे दूं। इनको तो खुद पहले अपना ही इतिहास नहीं पता है। 2010 में सबसे पहले नहीं 2010 में गोपीनाथ मुंडे भाजपा के ही सांसद पार्लियामेंट में घंटों स्पीच देते हैं कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए। यहां तक उन्होंने बात कही कि मेरे बस में नहीं है कि मैं अपर कास्ट में पैदा हूं, कि मैं लोअर कास्ट में पैदा हूं, कि मैं दलित फैमिली में पैदा हूं, कि मैं कहां पैदा हूं, और मेरे बस में अगर होता तो मैं लालू फैमिली में पैदा होता। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं क्योंकि ये बहुत बार लालू जी का नाम ले लिए हैं। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि जातिगत जनगणना से बिहार में क्या परिवर्तन हुआ, मैडम हमें 17 महीने ही बिहार में काम करने को मिला है और उसी 17 महीने में जातिगत जनगणना हुआ और 94 लाख परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिया गया ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। ये गरीबी के आधार पर उनको छांटा गया पहले, फिर दिया गया। अगर कास्ट सेंसस का जो कास्ट गणना हुआ वहां पर उसका डाटा नहीं होता तो हम ये नहीं दे पाते। और रिजर्वेशन की जो कैपिंग थी हमने उसको हटाया और 75% तक जो आरक्षण हमने बढ़ाया। तो अगर हमें और समय मिलता है, इसमें बहुत सारे काम करने बाकी रह गए थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए, एज यूजुअल उसी तरह से इनएक्टिव हो गए। और बार बार ये मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जेडीएस से इनका गठबंधन है नहीं है ये तो बता दें। और वही जेडीएस जब 1994 में देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे तो मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण दिए थे, क्यों है आप उनके साथ? आप बता दीजिए, आप अगर मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ है तो आपको जेडीएस के साथ अलायंस में नहीं होना चाहिए। और आरक्षण के बाद भी जब आपकी सरकार थी भाजपा की वहां पर, तो आपने क्यों खत्म नहीं किया? आप उस आरक्षण को चलते रहने क्यों दिए? तो ये दोगलापन वाली बातें सर खत्म करिए और जातिगत जनगणना इस देश की सच्चाई है। आज भी कोई स्कीम बनानी पड़ती है तो 1931 का आंकड़ा उठाना पड़ता है। हमारे पास ताजा सर्वे नहीं है, हमारे पास अब का सर्वे नहीं है, किसकी कितनी आबादी है, किसकी क्या परेशानी है, हमारे पास सर्वे नहीं है। तो जातिगत जनगणना एक स्टेप है, एक्सरे है।